हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा भाई रविंद्र यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि आपकी सिफाई फार्मा के पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, अपन पहले आज बात कर लेंगे इस वीडियो में कि अपने को क्या क्या सावधानी रखनी है, अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कैसे क्या टाइमिंग पे जाना है और क्या व्यवस्था अपने को देखनी है। दोस्त, इसके बाद में जान लेंगे दोस्तों अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि एक आइडियल अपन स्कोर कर सके और एक सेफ जोन में आ सके। तो दोस्तों, इसके पूरे के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं ला सका था, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी स्टडी करनी होती है और दोस्तों मेरी तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। तो दोस्तों, अब जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं, ये अपनी लास्ट वीडियो रहेगी सिफाई फार्मा पेपर से पहले, क्योंकि 2 तारीख को अपना एग्जाम होने वाला है और कल का दिन ही अपने पास में शेष बाकी रहा है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है इसमें मैं फुल फिल करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस है वो उन सारे क्वेश्चंस को इसमें मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अपन बात कर लेते हैं पहले कि अपने को क्या क्या चीजें वहां पर एग्जाम सेंटर में लेके जाना है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को एडमिट कार्ड लेके जाना है दोस्तों। एडमिट कार्ड जो होगा दोस्तों अपना रंगीन लेके जाना है, यानी कि कलरफुल। आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलरफुल आपको प्रिंट करवाना है, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में। दोस्तों, आर्मी का एग्जाम है, छोटी छोटी चीजों को आपका ध्यान में रखना होगा। कई लोग ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हैं, कई कलरफुल लेके जाते हैं, हालांकि एलिजिबल दोनों ही होते हैं, लेकिन आपको कलरफुल लेके ही जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि एडमिट कार्ड में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ होता है कि कलर कॉपी ही मान्य होती है। दोस्तों, इसके साथ में आपको 2 गवर्नमेंट IDs लेके जानी है जिनपे आपकी फोटोज हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए एक आपको आधार कार्ड ले जाना है या फिर एक वोटर आईडी कार्ड लेके जाना है। जो भी आईडी गवर्नमेंट ने ऑथराइज की हुई है उसमें 2 IDs को आपको लेके जाना जरूरी है। दोस्तों, क्या होता है कि एक आईडी जब अपन लेके जाते हैं तो उसमें अगर कोई कमी आ जाए, लास्ट टाइम एक बंदा था वो गवर्नमेंट आईडी लेके गया था आधार कार्ड, बट उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी वो DDMMYY के फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई थी, तो उसको वहां पे एलिजिबल नहीं किए थे। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि आधार कार्ड पे DDMMYY के फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आपके पास में एक सावधानी के लिए एक और गवर्नमेंट आईडी लेके जाना जरूरी है। तो ये हो गई बात, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, गवर्नमेंट आईडीज लेके जानी है और आपको 2 रिसेंट फोटोज लेके जानी है। इसके अलावा आपको एक बॉल पेन लेके जाना है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गर्मी है तो आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर की बोतल भी लेके जानी है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों अपने को सावधानियां कि ये चीज अपने को लेके जाना है। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको लोवर और टी शर्ट में जाना है, क्योंकि मेटलिक चीजें वहां पे अलाउ नहीं होती है। तो काफी ऐसी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, जो कि आप एक एग्जाम में जा रहे हो देने तो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। दोस्तों, आइए अपन मेन बात कर लेते हैं अब कि अपने को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ अपन इजीली क्वालिफाई कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो फार्मा पार्ट है, फार्मा फर्स्ट और फार्मा सेकंड, इसमें अपने को 30 क्वेश्चंस राइट करने हैं और जो अपना नॉन फार्मा है उसमें 20 क्वेश्चन राइट करने हैं। तो दोस्तों, ये जब आप अगर 30 क्वेश्चन फार्मा में सही कर लेते हो नेगेटिव मार्किंग को हटा के, जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा के आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए और नॉन फार्मा में 20 क्वेश्चन। जब आप 50 क्वेश्चन सही कर लेते हो, यानी कि आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं दोनों को मिला के, तो आप आर्मी की रैली के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, बट आप श्योर नहीं हो सकते मेरिट लिस्ट के लिए। तो दोस्तों आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में कितने नंबरों पे आओगे। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस दोस्तों, आपको 120 से 130 नंबर स्कोर करना है। दोस्तों, आप अगर ये स्कोर लेके चलोगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ज्यादा भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे दोस्तों तो आप नेगेटिव मार्किंग में मात खा जाओगे। दोस्तों, तो आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आपके 120 से 130 नंबर आसानी से बन सके। दोस्तों,
इस पे आपको बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है और आपको नॉन फार्मा पार्ट को बहुत ही सीरियस तरीके से लेके और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको वहां पे अटेम्प्ट करके आना है दोस्तों। दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फार्मा पार्ट की। फार्मा पार्ट में दोस्तों आपको 40 से 45 क्वेश्चन करके आने चाहिए आइडियली, बट दोस्तों ये कैटेगरी तब है जब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। आप नेगेटिव मार्किंग पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप 30 से 35 क्वेश्चन तक करिए और आप वहीं पे रुक जाइए। तो अपन बात कर लेते हैं कि फार्मा पार्ट की। तो दोस्तों आइडियली जो है आपको फार्मा पार्ट में 35 क्वेश्चंस आपको राइट करके आने ही होंगे दोस्तों। ये तो आपको मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जब आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको 35 क्वेश्चंस तो सही से अटेम्प्ट दोस्तों करने ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अटेम्प्ट कर सकते हो तो आप 45 तक जा सकते हो। इससे ज़्यादा आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान रहेगा दोस्तों, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के भी आते हैं। मैंने लास्ट टाइम देखा था 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ में भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको जो है आइडियली मेरे अकॉर्डिंग आपको 35 क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व करके आना होगा बिल्कुल राइट कंडीशन में। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आप अगर नेगेटिव करते हो तो वो अलग से रहेंगे, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन करेक्ट करके आने होंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं नॉन फार्मा पार्ट की, तो वहां पर दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन आपको राइट करके आने होंगे दोस्तों। दोस्तों ये कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कि जो आप अपने हिसाब से अपने को ढाल सकते हो दोस्तों। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो दोस्तों। सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेस दोस्तों अलग होती है, उसको आपको समझना है। अगर आपकी फार्मा पार्ट पे कमांड है तो आपको फार्मा पार्ट में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आपका नॉन फार्मा अगर स्ट्रांग है तो आपको उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बट मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि 35 क्वेश्चन आपको फार्मा पार्ट में और 30 क्वेश्चन आपको नॉन फार्मा पार्ट में सही करके आने की बिल्कुल के आना ही होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, आप एक सही कैटेगरी में आओगे और मेरिट लिस्ट में आपको कोई निकाल नहीं सकता। और अगर दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर आप इतने क्वेश्चंस करके आ जाओगे तो आपको मेरिट लिस्ट में कोई निकाल नहीं सकता। 35 क्वेश्चंस फार्मा पार्ट में और 30 क्वेश्चन नॉन फार्मा पार्ट में आपको करके ही आना होगा दोस्तों। और मैंने ये जो आइडिया बताया है, ये जो प्रिडिक्शन बताया है, ये केवल मैंने राइट क्वेश्चंस की बताई है कि केवल राइट क्वेश्चंस आपको इतने करके आने होंगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है तो ये प्रोबेबिलिटी और ये क्वेश्चंस जो है ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मैंने केवल राइट बताया है कि 35 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए आपके फार्मा में और 30 क्वेश्चंस नॉन फार्मा में। अगर नेगेटिव पे जाते हो तो ये क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। दोस्तों एक ही बात कहूंगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मैटर करता है कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है, आप कितने के सिपाही फार्मा के पेपर के लिए कितनी का आपने डेडिकेशन दी है, आप कितना इंडियन आर्मी में जाने के लिए कितने डेडिकेटेड हो, अपने प्रोफेशन के लिए आप कितनी आपने मेहनत की है। ये सब फैक्टर्स आपकी इस प्रिपरेशन में दिख जाएंगे दोस्तों। 2 मई को पेपर है, तो मैं इस वीडियो की सहायता से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों, कि आपका भी सिपाही फार्मा का एग्जाम क्लियर हो और आप आगे फ्यूचर में एक वर्दी ले सको। तो मैं भारत माता की जय के साथ में कुछ लाइनों के साथ में इस वीडियो का अंत करता हूँ दोस्तों। तो वो लाइनें हैं दोस्तों कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार दे जमीन पर ये गम के 4 दिन और सितम के 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजरें। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो दोस्त मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ इस शुभकामनाओं के साथ में कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो। दोस्तों मेरे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।